तस्वीरों में गुस्साते और नाराजगी जाहिर करते ये लोग बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी के हैं और ये तस्वीरें बल्लभगढ़ के बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा के घर के बाहर की हैं। चावला कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से ये लोग पानी की भारी किल्लत से झेल रहे हैं। दो दिन पहले भी चावला कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और नगर निगम के आश्वासन के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस है, जिसके चलते ये लोग विधायक जी से मिलने पहुंचे हैं। सोमवार को जाके आदमी नगर निगम में, चाहे हमें अफसरों को बाहर निकाल के ताला लगाना पड़े वो भी लगाए, बिल्कुल ही 24 घंटे पानी नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये नौबत आई, हमें सड़कों पे आने की नौबत आ रही है। इस दौरान कॉलोनी के लोगों के साथ नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। पानी का लेवल वहाँ पे कम हो गया है, पूरा पानी नहीं आ रहा, तो जो इतना पानी अवेलेबल है वो सारे उसको बांट के दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। इस वजह से कई जगह दिक्कत ऐसी आ रही है, तो कोशिश करें इसका सलूशन जल्दी से निकाला जाए इसके लिए। वहीं मुलाकात के बाद बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा का क्या कहना है, आइए वो सुनाते हैं। पानी की समस्या पिछले 15 दिन से पूरे शहर में पानी की समस्या है, नेटवर्क खराब हुआ है, बिजली की सप्लाई पूरी नहीं हुई और कुछ समस्या कुछ लोगों ने बना दी। समस्या तो है तो कई चीज़ ऐसी है, कहीं ट्यूबवेल खराब हो गया, कहीं पानी की लाइन, और जल्दी से जल्दी जितनी भी समस्या पानी की बल्लभ सबको ट्यूबवेल लगाएंगे, कहीं मोटर को ठीक कराएंगे, पानी की सप्लाई बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी इसको समस्या को पूरा। विधायक जी ने लोगों को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर है और उन्होंने खुली चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन और उग्र होगा। R9 TV के लिए बल्लभगढ़ से प्रेम खान की रिपोर्ट।